जहाँ तक आप आज ये अवेयरनेस की बात आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हम सभी जानते हैं कि ड्रग नहीं लेने चाहिए, एन ओ नो ड्रग, बट हम लोगों को ये नहीं पता कि के एन ओ डब्ल्यू नो कि ड्रग है क्या, उसके नुकसान क्या होते हैं, उसके से जीवन कैसे बर्बाद होता है। और ये बहुत सारे जो माँ बाप हैं, जो हमारे स्कूल के टीचर हैं या गाइड हैं या पड़ोसी हैं या पुलिस वाले हैं, इनको भी नहीं पता होता कि इसका प्रिवेंशन कैसे करना है। इसलिए सबसे जरूरी बात है कि अवेयरनेस की आनी चाहिए कि ड्रग क्यों लेता है आदमी, और ड्रग लेने के बाद कौन कौन सी समस्याएँ पैदा होती हैं और उन समस्याओं से कैसे निपटारा करना है। मेरी ये सलाह है, मेरी ये अपनी एडवाइस रिक्वेस्ट है कि हमें इस अवेयरनेस ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, इवन एनजीओ लेवल पे, इवन आरडब्ल्यूएल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, इवन पुलिस लेवल पे भी करने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ड्रग से हमारा जो नई जनरेशन कैसे बर्बाद हो रही है। एडिक्शन जो है उसके बारे में हम समाज को जागरूक करें, समाज में जागरूकता लाने के लिए ये प्रोग्राम जो है हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि समाज का एक कदम है, छोटा सा प्रयास है हमारा। आज हम बेसिकली एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे थे जो थी कि जैसे कि नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने कहा कि जो ड्रग यूज़ की इनिशिएशन एज है, यानी कि बच्चा आजकल जो ड्रग यूज जिस उम्र में लेना शुरू कर रहे हैं वो 9 साल हो गई है, बहुत ही खतरनाक स्टैटिस्टिक्स हैं ये, जो ये कहते हैं कि हमारे देश के जो फ्यूचर है वो किस तरफ जा रहे हैं। तो हमने एक ड्राफ्ट प्रोग्राम बनाया है स्कूल्स के लिए, जिसको हमने नाम दिया है प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उन्हें बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, और उसी के लिए एक जो है कंसर्टेड प्लान, एक कंसर्टेड एक्शन प्लान हमने तैयार किया है कि किस तरह से एजुकेट किया जाए, किस चीज़ों पर एजुकेट किया जाए, और उसी को लेकर आज हमने एक डिस्कशन। द्वारका इलाके से जुड़ी हुई खबरों के लिए देखते रहिए NN द्वारका न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।